सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में मारपीट की घटना डोंबिवली में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब एक गुट मंदिर में आरती करके लौट रहा था तो दूसरे गुट ने उन पर पत्थर, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं के साथ 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। देर रात डोंबिवली पुलिस थाने में परस्पर विरोधी मामला दर्ज कर पुलिसों ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार डोंबिवली पूर्व के आयरे गांव में गांवदेवी मंदिर में नवरात्रि आरती हो रही थी। कुछ लोग आरती करने के बाद मंदिर से बाहर आ रहे थे, उसी समय कुछ लोगों ने आरती करके लौट रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। आरती करके लौट रहे लोगों पर पत्थर, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में 5 से 6 लोग घायल हो गए और घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना पुराने विवाद के कारण हुई है। देर रात डोंबिवली पुलिस थाने में परस्पर विरोधी मामला दर्ज कर पुलिसों ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सायंकाळी साधारण 7:30-8 दरम्यान गावदेवी मंदिर आहिरे गाव या ठिकाणी देवीची आरती झाल्यानंतर बाहेर पडत असताना दोन गटामध्ये काहीतरी मागील कारणावरून वाद होऊन त्या ठिकाणी 3-4 लोक जखमी झालेले आहेत। त्यामध्ये सचिन वीरेंद्र म्हात्रे, रोशन राठोड आणि आणखीन 2-3 लोक जखमी झालेले आहेत। जखमीला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये पाठवलेलं असून एकमेकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करायची प्रक्रिया चालू असून रात्रीच्याला आमच्या डीबीची टीम आणि आरोपीला अटक करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं वैद्यकीय सर्टिफिकेट प्राप्त करून त्याप्रमाणे पुढील कारवाई डोंबिवलीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री नितीन गीते करत आहेत।